आर्मी हेडक्वार्टर का ये आदेश 1 जून 2023 को आ चुका है। इससे भूतपूर्व सैनिकों में खुशी की लहर है कि यूआरसी के ओआईसी हो चाहे यूआरसी का स्टाफ हो, वो मनमानी नहीं चलेगी। यदि ऐसा होता है तो आप आर्मी हेडक्वार्टर के क्यूएमजी ब्रांच को अपनी शिकायत भेज सकते हो। सीएसडी के सभी लाभार्थियों के लिए सेना मुख्यालय ने एक बड़ा आदेश जारी किया है। आप सभी को पता है और आपने ऐसा महसूस भी किया है या आपके साथ में ऐसा घटित भी हुआ है कि जब भी आप अपनी डिपेंडेंट कैंटीन के अलावा किसी दूसरी यूआरसी में जाकर ग्रोसरी या लिक्वर की डिमांड करते थे या आपको लेना होता था, तो उस यूआरसी द्वारा आपको यह कहकर मना कर दिया जाता था कि आपकी डिपेंडेंसी यहाँ पे नहीं है, आप अपनी डिपेंडेंट यूआरसी में जाइए और वहाँ से लिक्वर और ग्रोसरी लीजिए। समय समय पर इन नियमों में कभी बदलाव भी हो जाते थे कि अब लिक्वर जारी नहीं किया जाएगा लेकिन ग्रोसरी ले सकते हैं, तो ज़्यादातर ये समस्याएं आती थी एक्स सर्विसमैन को। लेकिन 1 जून 2023 को आर्मी हेडक्वार्टर के क्वार्टर मास्टर जनरल ब्रांच द्वारा जारी किए गए आदेश ने भूतपूर्व सैनिकों और सेवारत सैनिकों के लिए पूरे दरवाजे खोल दिए हैं। आपने थोड़े दिन पहले ये भी देखा होगा कि देहरादून सबेरिया सीएसडी कैंटीन में जहां एक तरफ ऑफिसर्स के काउंटर में लिक्वर एंड ग्रोसरी की भरमार थी तो दूसरी तरफ एक्स सर्विसमैन जेसीयू एंड ओआर के काउंटर खाली पड़े थे। इसके बाद सभी भूतपूर्व सैनिकों ने यह मांग की थी कि सामान चाहे किसी भी यूआरसी में जाएं हमें सामान मिलना चाहिए, चाहे वो लिक्वर हो चाहे ग्रोसरी हो। ये मांग भी आर्मी हेडक्वार्टर तक पहुंच चुकी थी और हो सकता है कि उसी प्रकरण को देखते हुए आर्मी हेडक्वार्टर ने यह फैसला लिया है कि अब आप किसी भी कैंटीन से ग्रोसरी और लिक्वर ले सकते हो, आपकी डिपेंडेंट कैंटीन चाहे कोई भी हो लेकिन जहां मर्जी हो वहीं से आप ग्रोसरी एंड लिक्वर ले सकते हो। ये आदेश अगले 6 महीने के लिए जारी कर दिया है और पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर अगले 6 महीने में ये देखा जाएगा कि इससे कैंटीनों को कोई समस्या तो नहीं आती है। और इसमें यह भी कहा गया है कि कोई भी कैंटीन आपको ग्रोसरी और लिक्वर देने से मना भी नहीं करेगी। ऐसा देखा जाता है कि कुछ एक कैंटीन एक्स सर्विसमैन को लिक्वर देने में आनाकानी बरतती है और जो कोटा वहाँ पे अवेलेबल होता है यदि उसकी डिमांड की जाती है एक्स सर्विसमैन द्वारा वो जारी नहीं किया जाता है, उसको मना किया जाता है कि ये लिक्वर अवेलेबल नहीं है क्योंकि ये ऑफन इसको डिस्प्ले नहीं किया जाता है। कुछ एक कैंटीनों में ट्रांसपेरेंसी है लेकिन कुछ एक कैंटीन्स इसको छुपा के रखती है। तो आइए इस लेटर में क्या लिखा हुआ है हम पूरा समझ लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है परचेज ऑफ ग्रोसरी एंड लिक्वर फ्रॉम यूआरसीज। इससे पहले 1 जून 2018 और 18 अगस्त 2021 को लेटर जारी हुए थे उनका यहाँ पर रेफरेंस दिया जा रहा है। लिखा है कि विथ इमीडिएट इफेक्ट यानी आज से ही ऑल सीएसडी बेनिफिशरीज आर परमिटेड टू परचेज ग्रोसरी एंड लिक्वर एज पर देयर एंटाइटलमेंट फ्रॉम एनी यूआरसी, यानी जो भी एंटाइटलमेंट है ग्रोसरी और लिक्वर का और जिसके पास में सीएसडी का स्मार्ट कार्ड है वो इंडिया में किसी भी यूआरसी से ग्रोसरी और लिक्वर परचेज कर सकता है। नो यूआरसी विल डिनाई सेल ऑफ ग्रोसरी एंड लिक्वर टू एन एंटाइटल्ड सीएसडी बेनिफिशरी होल्डिंग ए वैलिड सीएसडी स्मार्ट कार्ड। जिस सेवारत या भूतपूर्व सैनिक के पास में कैंटीन का स्मार्ट कार्ड है उसको कोई भी यूआरसी ग्रोसरी और लिक्वर देने से मना नहीं करेगी। दिस पॉलिसी विल बी रिव्यूड आफ्टर 6 मंथ 1 दिसंबर 2023 बेस्ड ऑन सक्सेस ऑफ द प्रोजेक्ट एंड कैपेबिलिटी ऑफ सर्टेन यूआरसीज टू एब्जॉर्ब एडिशनल बेनिफिशरीज। यानी इससे क्या होगा कि कुछ एक यूआरसी के जिस पर डिपेंडेंसी है एक्स सर्विसमैन या सेवारत सैनिक की वो यदि दूसरे कैंटीन में जाएंगे तो उनकी डिपेंडेंसी के आधार पर जो CIMS सॉफ्टवेयर है वो डिपेंडेंसी जनरेट करेगा। इससे कुछ एक कैंटीन को जो CSD ग्रोसरी एंड लिक्वर स्टोर कलेक्ट करने में समस्याएं आ सकती है। इसके कारण 1 दिसंबर 2023 को इस पॉलिसी को वापस रिव्यू किया जाएगा कि कुछ बदलाव करना है तो हो सकता है कि उसमें आप बदलाव करें। आगे कैंटीन के लिए निर्देश दिया है कि द सिस्टम ऑफ नॉमिनेशन ऑफ ए डिपेंडेंट यूआरसी फॉर एक्स सर्विसमैन बाय दियर स्टेशन हेडक्वार्टर विल कंटिन्यू फॉर द पर्पज ऑफ फोरकास्टिंग डिमांड्स एंड क्लेमिंग ADLRS। यानी ग्रोसरी एंड लिक्वर डिमांड और ADLRS स्कीम के तहत जो 10,000 रुपये मिलता है इसके लिए स्टेशन हेडक्वार्टर हर एक यूआरसी सीएसटी स्मार्ट कार्ड होल्डर के लिए कंसर्न्ड स्टेशन हेडक्वार्टर को नॉमिनेट जरूर करेगा। द डिमांड्स विल बी बेस्ड ऑन सर्वर जनरेटेड डिपेंडेंसी ओनली। तो डिमांड जो है जहाँ पर स्मार्ट कार्ड स्वाइप होता है उसी के मुताबिक जो डिपेंडेंसी जनरेट होगी उसी के अकॉर्डिंग डिमांड प्लेस होगी। आगे बताया कि इस नियम को सभी यूनिट फॉर्मेशन यूआरसी को स्ट्रिक्ट कंप्लियंस के लिए जारी किया जाता है।
और इस आदेश की कोई भी अवहेलना नहीं करेगा। तो आर्मी हेडक्वार्टर का ये आदेश 1 जून 2023 को आ चुका है। इससे भूतपूर्व सैनिकों में खुशी की लहर है कि अब वो अपने नज़दीक हो चाहे दूर हो, जहाँ पे ग्रोसरी और लिक्वर मिलता हो, वहाँ से अपने घर के लिए ग्रोसरी और खुद के लिए लिक्वर कलेक्ट कर सकता है। और अब जितने भी ये अपनी मनमानी URC के करते थे, चाहे URC के OIC हो चाहे URC का स्टाफ हो, वो मनमानी नहीं चलेगी। यदि ऐसा होता है तो आप आर्मी हेडक्वार्टर के QMG ब्रांच को अपनी शिकायत भेज सकते हो। बने रहिए चैनल के साथ, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक और अन्य साथियों की जानकारी के लिए शेयर कर सकते हो, और चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि आपसे जुड़ी हुई जानकारी आपको मिलती रहे। जय हिंद साथियों।